नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रोल इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का सुविचार। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ अब खबरों का भी रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर हैं। वो आज सुबह 10:45 पर 7LKM पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से उनके घर पर मिलेंगे। कल दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की इन मुलाकातों में यूपी चुनाव पर चर्चा, चुनाव का एजेंडा, कोरोना से दूसरी लहर से निपटने के बाद वैक्सीनेशन और तीसरी लहर की तैयारी, मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल, संगठन और सरकार की समन्वय, आने वाले दिनों में कुछ परियोजनाओं को लेकर चर्चा जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विश्वनाथ कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग और महंगाई के खिलाफ आज पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली कांग्रेस के अनुसार कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण करने के बजाय भारी भरकम टैक्स वसूल कर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संगठन महासचिव KC और महासचिव हरीश रावत, प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत कई नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों के पास सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना वायरस संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि BJP सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में बार बार भारी बढ़ोतरी कर कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। इस सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें आज 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है और डीजल की कीमतें भी 100 रुपये प्रति लीटर होने के कगार पर है। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर इजाजत के लिए विक्रेता आज से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है। बता दें, आबकारी नियम 2021 के अनुसार आज से L13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। इसके साथ ही छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी। 1 जून को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद ये घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बारामूला जिले के नूरबाग इलाके में कई घरों में भीषण आग लग गई। खबरों के मुताबिक देर रात अचानक कई घरों में भीषण आग लग गई थी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गई थी। वहीं देश के कई राज्यों के साथ गुजरात में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें, नाइट कर्फ्यू अभी भी रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होता देख 1 जून के बाद से कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। बता दें, 50 से ज्यादा लोग एक जगह गुजरात में इकट्ठा होने की उन्हें अनुमति नहीं है। वहीं सरकार के सभी धार्मिक स्थल 11 जून से आज खुल जाएंगे। वहीं लाइब्रेरी 50% क्षमता के साथ आज से खुल रही है। बाग बगीचे सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। जिम भी 50% क्षमता के साथ आज से खुल रहे हैं। वहीं सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच इन डाइनिंग सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही रात 12 बजे तक होम डिलीवरी की भी छूट दी गई है। दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और हमारी सभी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।